हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में। आज दिनांक 11 सितंबर 2023 और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं विद डिटेल्स, ताकि आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि एशिया के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से लेकर भारत की अध्यक्षता में G20 के नए सदस्य देश तक। तो चले जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश यूरोपीय संघ के ओराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश। प्रश्न दो है, किसने विजिटर्स के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्र सरकार के द्वारा विजिटर्स के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आप इस मोबाइल ऐप के बारे में इत्यादि जानकारी राइटिंग साइट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न तीन है, भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीकन यूनियन G20 का नया स्थायी सदस्य देश बन गया। तो अब G20 नहीं बल्कि G21 के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न चार है, किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड राज्य ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइटिंग साइट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पाँच है, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है या दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य के काला जीरा चावल को। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइटिंग साइट से देख सकते हैं। प्रश्न छः है, भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 21वां संस्करण। आप इस अभ्यास के बारे में इत्यादि जानकारी राइटिंग साइट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न सात है, किस देश में भारत के द्वारा दूतावास खोला जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तिमोर लेस्ते देश में भारत के द्वारा दूतावास खोला जाएगा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इस देश को किस देश से आज़ादी मिली थी और कब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न आठ है, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, SBI बैंक ने। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइटिंग साइट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नौ है, ट्रेविड और किस राज्य सरकार ने एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य सरकार ने और ट्रेविड ने हाल ही में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइटिंग साइट से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, दसवें प्रश्न को बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। तो बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर, किसने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी ने। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइटिंग साइट से प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय।